नमस्कार दोस्तों, लमन राव भाई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, मानसिंह धर्म में इस तरीके से भी आप अपनी पत्नी, पति या प्रेमी को आसानी से वशीभूत कर सकते हैं और इच्छा चाहे पुरुष को आप अपने काबू में ले सकते हैं। मित्रों, खास करके पुरुष ज्यादातर महिलाओं पर हक नहीं चढ़ाते हैं, वह चाहे उनकी पत्नी हो, प्रेमिका हो या अन्य कोई भी स्त्री हो, तो वह हमेशा इसी तरीके से स्त्रियां दबती आती हैं। और अगर आप इसी चीज से परेशान हैं या आप अपने पति या प्रेमी को वशीभूत करना चाहते हैं, आप उनका प्यार पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह आपके अलावा किसी अन्य स्त्री के पास जाए ना, उसे देखे ना, तो आज का उपाय आपके लिए है। मानसिक धर्म में आप योनि रक्त से किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारा लमन त्रो भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके वे मंत्र बता पाए। करना क्या है, जैसे कि मैंने योनि रक्त पे यानी कि मानसिक धर्म में पहले भी वीडियो बना के आपको बता रखा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी स्त्रियां उस प्रयोग को आसानी से कर नहीं पाए, तो आज का एकदम बिल्कुल सरल टोटका है उसी तरीके से, लेकिन बहुत ही सरल है। इस उपाय को आप आसानी से कर लेंगे, जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, आसानी से आप इस कार्य को परिपूर्ण कर लेंगे। करना क्या है कि किसी भी शुक्रवार के दिन आप इस कार्य को करें। आपको करना है जहां भी आप करें, अपने घर के अंदर, लेकिन ऊपर आपकी छत नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप घर की छत पे करें, आसमान साफ दिखाई देना चाहिए। इस कार्य के लिए आपकी तीन चीजें, चार चीजें साक्षी होगा, वैसे पांच, पांच में आप खुद होंगे, आपका ईश्वर होगा। जल, अग्नि, धरती, वायु, आसमान, ये सब चीजें आपकी इस कार्य की साक्षी होंगी। और सुनने में आपको लग रहा होगा योनि रक्त से कैसे, तो ये स्त्रियों के लिए वरदान है, मैंने पहले भी आपको बताया है। इसे आप अपनी कमजोरी नहीं, इसे आप शक्ति के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें बिना बिना आगे किए। आपको करना क्या, अब मान लीजिए मैंने एक सफेद पेपर ले रखा है, इस पे आपको एक आकृति बनानी है। यह मैंने सिर्फ पेपर इसलिए ले रखा है ताकि आपकी वह आकृति समझ में आ सके। आपको उसकी फोटो लेनी है, अगर आपके पास बड़ी फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, इतनी बड़ी फोटो ले लें। अगर फोटो बड़ी नहीं ले सकते, छोटी ले रहे हैं, तो एक फोटो एक पेज पर चिपका दें, और उसके बाद इसके ऊपर आपको अपना रक्त, ये मैंने लाल सिंदूर खोल रखा है, तो आपको अपना योनि रक्त लेना है। उसके अंदर अगर आप कुछ मिलाना चाहें तो जल वगैरह थोड़ा सा मिला लें, लेकिन आपको वह अपना रोनी यक देख, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आपको अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही प्रचंड, बहुत ही शक्तिशाली टोटका है। इस तरीके से बहुत सी स्त्रियां मन चाहे पुरुष को अपने काबू में कर लेती थी, तो आपको योनि रक्त से एक आकृति उस फोटो पे बनानी है। अगर फोटो नहीं है तो फोटो यहाँ चिपका दें और इस पेपर पर बनाए, आपको वह आकृति बनानी है, वह मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको अपनी जो उंगली है, अनामिका यानी कि रिंग फिगर है, उससे आपको करना है, इस तरीके से गोल घेरा बनाना है। सबसे पहले इस तरीके से, मान ली आप अपनी योनि रक्त से बना रहे हैं, तो मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूं, इस तरीके से आपको बनाना है। बिल्कुल इसी तरीके से, इस तरीके से आपको ये दो बना लेने हैं आकृतियां, इनके अंदर एक एक आपको इस तरीके से तिलक लगा देना है, इस तरीके से आपको अपने रक्त से बनानी है। यहाँ तस्वीर है, तो उसकी तस्वीर के मुख पर, उसके ऊपर आपको इस तरीके से ये योनि रक्त आपने लगा देना है। उसके बाद इसी योनि रक्त से इस पेपर पर आपको उसका नाम लिखना है। और इसे आप सूखने के लिए साइड में रख दें। इसी तरीके से आपको फिर से एक और पेपर लेना है, उसके अंदर माफ कीजिएगा थोड़ा साफ नहीं बना, तो इसके अंदर बिल्कुल निपुण रूप से बना के दिखा दो। फिर से आपको एक गोल घेरा बनाना है, आपको तीन ही फोटो लेनी है, एक फोटो की आप तीन फोटो बनवा लें, आपको चाहिए तीन फोटो ही, मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो इस कार्य के लिए आपको तीन फोटो की आवश्यकता है, तो इस तरीके से इसको गोल घेरे में लेकर आपको बनाना है, इस तरीके से। इस तरीके से तिलक लगा देना है आपको, इसके बीचों बीच भी एक तिलक लगा देना, इस तरीके से आपको करना है। कर देने के बाद इसके ऊपर भी वे फोटो छिपाए, तीन फोटो होना आवश्यक है इस कार्य को करने के लिए। उसके बाद आपको नाम लिख देना है, बिल्कुल शक्तिशाली, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग।
इस तरीके से तीसरे पेज को भी आपको तैयार कर लेना। अगर मैं चाह तीसरे को करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मान लीजिए आपने तीनों पेज तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। तीसरे मान लीजिए इनके ऊपर आपको एक एक लॉन्ग रख देना है, एक एक लॉन्ग रख देना है। अब आपके इस कार्य के आसमान धरती सारी साक्षी हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस मंत्र का आपको इनको सामने रखकर 551 बार जाप करना, सच्चे दिल से योनि रख से ये बनानी है। आप जो आपके मासिक धर्म 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहता है, जिन महिलाओं को 1 सप्ताह भी रहता है कई महिलाओं को, तो आप उसी दौरान आपको इस कार्य को करना है। इस बात का खास ख्याल रखें, लेकिन स्नान करके करना और करने के बाद भी स्नान करना है आपको। इस करने के बाद आपको क्या करना है, एक लौंग के समेत एक को आपको सूखने के बाद, मान लीजिए ये सूख चुका है अली, तो इसे आपको सबसे पहले आपको जला देना है इस तरीके से। इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से आप जला दें, लौंग भी जलना चाहिए साथ में। इसके बाद का खास क्या रखें, एक को आपको इस तरीके से जला देना है मित्रों, ठीक है। इसको आप जला दें, जिस तरीके से वो जल रहा हो, तो एक को आपको क्या करना है, एकत्रित करके ये जो सामने आपके जल पड़ा है, जल का एक पात्र है, इसके अंदर आपको एक डाल देना है। डाल दिया, उसके बाद एक को आपको क्या करना है, उसी दौरान मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से इकट्ठा करके विद लहू के ये आपको जमीन में गाड़ना है, उसकी फोटो के समेत। फोटो चाहे छोटी है तो आप इसके ऊपर चिपे लें, ठीक है, चिपका लें बिल्कुल इस तरीके से। आपको इसको जमीन में गाड़ना है, एक को आपको जल में रखना है और एक को आपको इसे जलाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। ये आपने जमीन में काट दिया, एक ने आपको आपने जल में डुबो दिया, और जो जल में डूबा हुआ है जो उसी फिलहाल के लिए, इसे आप किसी भी बहते हुए जल में विसर्जित कर रहे हैं। एक को आप अपनी जमीन में घर से बाहर जाकर कहीं भी गाड़ सकते हैं, आप अपने घर के भीतर भी गाड़ सकते हैं, और जिसको आपने जलाया तो उसकी बची हुई राख है, इसको क्या करना है, अपनी हथेली में लेना है। या तो आप अपने, अगर आपके पति आपके घर में, आप अपने पति के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने बेडरूम में इसे फूंक मार के उड़ा दें, और अगर आपके पति आप अपने पियर हैं, आपके पति ससुराल है, तो उनके घर की दिशा की तरफ, अपने प्रेमी या पति के घर की दिशा की तरफ, उसके गांव के शहर की तरफ दिशा की तरफ करके हथेली में लेके फूंक मार के उड़ाते हवा में। ये छोटा सा टोटका मात्र 1 सप्ताह के अंदर आपको अपने पति प्रेमी को आसानी से वशीभूत कर सकते। अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल होते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।